हेलो स्टूडेंट, माय नेम अंकिता। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिफाइन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं वे वाक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। इसकी मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके बाद इसमें देखिए नोट हेडिंग। नोट में क्या होता है, जो सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं और निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए सिंपल सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और दूसरा पॉइंट सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करते हैं। सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करते हैं। ओके, अब हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल। एग्जांपल से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। तो देखिए फॉर्मूला में सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ईटीसी। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ईटीसी। एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने कह दिया कल जोर से बारिश हुई थी, कल जोर से बारिश हुई थी, कल जोर से बारिश हुई थी। तो देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, इट। तो जो आपका सब्जेक्ट है कल जोर से बारिश हुई थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो आपकी क्रिया क्या हो रही है, बारिश, और बारिश को इंग्लिश में रेन बोलते हैं, तो आर ए आई एन। इसके बाद इसकी हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो रेन हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म क्या है आपका, जोर से हैवी, तो क्या हो जाएगा, हैवली। इसके बाद कल से, तो स्टार्ट है, ठीक है। स्टडी के बाद इसमें हम जो एक दो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे कि इसमें क्या होता है, पास्ट टेंस में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट टेंस में वाक्य के भाव के अनुसार टुडे और स्टडे का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भाव के अनुसार टुडे और यूज होता है। और इसमें क्या होता है, टुमारो, जो देखो पास्ट टेंस में, इसमें क्या होता है,
जो स्टरडे का यूज़ तो पास्ट टेंस में होगा, लेकिन टुमारो जो है वो फ्यूचर में यूज होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो टुमारो का यूज करेंगे, जहाँ पर भविष्य प्रकट करता है वहाँ पर टुमारो का यूज होता है। तो पास्ट टेंस में टुमारो का प्रयोग नहीं होता है। मेन पॉइंट है।